नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। भारी बारिश के चलते सिलवानी का स्टेट हाईवे 44 पर बना डायवर्सन पुल बह गया, जिससे सिलवानी से भोपाल का संपर्क टूट गया। वहीं शिवाजी नगर सहित निचले इलाकों में पानी भर गया। बच्चों को हाथ ठेला पर बैठाकर सुरक्षित निकालकर प्रयास किया जा रहा है। वहीं लोगों के घरों में पानी भर जाने से काफी परेशानी हो रही है। वहीं स्टेट हाईवे 44 को फिलहाल बंद कर दिया गया है। विगत एक माह से बारिश नहीं होने के बावजूद भी पुल निर्माण कंपनी के द्वारा पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण आज अधूरे पुल निर्माण की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां इस पूरी बरसात में पहली बार बेगम नदी अपने उफान पर आई है और चारों तरफ पानी ही पानी का सैलाब हो गया है। वहीं अधूरे पुल निर्माण की वजह से पुल के आसपास के घरों में भी पानी भर गया। वहीं लोगों को इस वजह से पानी रुक जाने के कारण काफी खासी परेशानी हो रही है। वहीं नदी का बहाव और तेज होने से पुल के बगल का डायवर्ट रास्ता भी बह गया है, जिसके बाद सिलवानी से मुख्य मार्ग भोपाल सागर का आवागमन पूर्णतः बाधित हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।